दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन। अपने घर में कैसे बनाते हैं तंदूरी चिकन। हमने लेग पीस 3-4 लेग पीस ले लिए हैं। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा इसे कट करेंगे। कट इसलिए किया जाता है कि उसमें मसाला अच्छी तरह से बेध जाए, अंदर तक पहुंच जाए। तो इसमें हम कट लगा रहे हैं और पूरे अच्छी तरह से कट लग गया है। बीच बीच में हम उसमें वो भी कर देंगे, गोभी देते हैं थोड़ा सा कि अंदर तक मसाला पूरा। मैरिनेट करने के लिए हमने मसाला तैयार करना है। पहले 2 चम्मच मैंने दही लिया है और इसमें 2 चम्मच मलाई, देसी हमने जो जमाते हैं उसी में से हम मलाई निकाल लेते हैं। मलाई ले लिए हैं, दही और मलाई दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, और इसमें हम कश्मीरी मिर्च लिए हैं 1 चम्मच, थोड़ा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच से कमी रखना है, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जीरा पाउडर डाला हूँ 1/2 चम्मच। और इसमें ऐड करना है चाट मसाला 1/2 चम्मच। और ये रहा चिकन मसाला, हमने 1 चम्मच चिकन मसाला डाल दिया। और इसमें डालेंगे हम हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पीसेस हमारे कम हैं, 3 लेग पीस हैं। तो इसको हम फेंट लेते हैं, पूरा मैरिनेट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा बटर हम इसमें डाल देंगे क्योंकि ये बटर डालने से बड़ा फ्लेवर थोड़ा सा आता है, मैरिनेट अच्छे से हो जाता है। अब इसको हम पूरा फेंट लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया इसका फेंट गया है। अब इसमें हम चिकन मिला देंगे। देखिए पूरा मसाला इसमें अंदर तक बेध जाएगा जब हम पूरा मिला देंगे। तो ऐसे आप घर में ऐसे बनाइएगा चिकन और तंदूरी अपने घर में आराम से बना सकते हैं। यही बनाने की विधि है। मैरिनेट करके हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम एक नॉन स्टिक पैन हो उसमें कर लीजिए। वैसे यदि आपके पास ओवन हो तो ओवन में बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ओवन नहीं है तो हम एक नॉन स्टिक पैन लिया है उसमें हमने इसको स्लो आंच में ढक के पकाएंगे। तो ये हम डाल दिए हैं 3 पीस तंदूरी लेग पीस। अब जो बचा हुआ मसाला है इसके ऊपर हम लगा देते हैं और तवा सिलो में हम चला दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं, सिलो में पकेगा। थोड़ा हम इसको ढकेंगे, ढक के सिलो में पकाएंगे। ये हमारा देखिए, हम बीच बीच में पलटी करते रहेंगे क्योंकि पानी थोड़ा छोड़ता है इसमें से मसाले का, और इसको हम बीच बीच में पलटी करते रहेंगे। ज़्यादा हीट नहीं करेंगे नहीं तो जलेगा, बढ़िया स्टीम हो जाएगा। ये देख लीजिए तकरीबन पक चुका है। ये पक गया है। अब इसको हम थोड़ा सा जाली में गैस के ऊपर रख के
जाली के साथ इसको हम तंदूर करेंगे। मैंने डायरेक्ट यदि आपके पास तंदूर की व्यवस्था है तो उसमें भी कर सकते हैं, हमारे पास है नहीं तो इसको हम गैस में ही बना सकते हैं। बीच बीच में इसको हम पलटी करेंगे। देखिए हम दोबारा पलटी कर दिए हैं, दोनों साइड से पकाना है अच्छी तरह ताकि बढ़िया अंदर तक पक जाए और उसका मसाला पूरा इसी में लग गया है, अंदर तक पक चुका है। बहुत ही बढ़िया ये सीख रहा है, देखिए एकदम आप पहचान ही नहीं करेंगे तंदूर में पका है या हम अपने घर में बनाए हैं। ये देखिए एकदम ये हमारा तंदूर अब एकदम बन के एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए इतना सुंदर पका है कि अंदर तक का पूरा एकदम तंदूर जैसे तंदूर बनना चाहिए, टेस्टी बढ़िया एकदम। रोटी भी आराम से खा सकते हैं।